you <laughs>

फर्स्ट ऑफ जुलाई 2021 का यहाँ पे देखने को मिला है तो किसी भी पोर्टेड रोम को अपने फोन के अंदर इंस्टॉल करने के लिए आपके फोन का बूट लेटर अनलॉक होना चाहिए और कोई कस्टम रिकवरी इसके अंदर इंस्टॉल होनी चाहिए इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है मैं आपको बीच में बताऊंगा कि कैसे जो है आप इसको अपने फोन के अंदर इंस्टॉल करेंगे बट पहले हम कुछ चीज़ों को चेकआउट कर लेते हैं देख पा रहे होंगे आपको कुछ इस तरीके का लुक आपको यहाँ पे देखने को मिलता है अगर आप वॉलपेपर के सेक्शंस में जाएं तो आपको यहाँ पे काफी सारे जो है लाइव वॉल्पर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं जो भी लाइव वॉलपेपर आपको पसंद है जो लेटेस्ट होगी वन प्लस नाइन आर फोन में आपको देखने को मिले हैं वो सभी के सभी जो है आपको यहाँ पर इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं इवन जो है आपको इसके अंदर विजेट्स वगैरह वो सभी इसके अंदर देखने को मिलते हैं जैसे विजेट्स होम सेटिंग्स होम सेटिंग्स में जाकर आप जो इसके लॉन्चर के अंदर कुछ चेंजेस हैं वो आप इजिली यहाँ से यूज कर सकते हैं वाईफाई कॉलिंग वोल्टेज वगैरह परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है जो सबसे पहली चीज तो वन प्लस कैमरा है वो इसके अंदर डेड है तो वर्किंग नहीं है तो उसका ऑल्टरनेट ये है कि आप इसके अंदर जो है जी कैम को यूज कर सकते हैं तो ये देखिए जी कैम जो है हम अपने फोन के अंदर परफेक्ट तरीके से यूज कर रहे हैं चाहे कैमरा मोड हो चाहे पोर्ट्रेट मोड हो चाहे नाइट साइड मोड हो सभी के सभी जो है आपको इसके अंदर यहाँ पे वर्किंग मिल जाते हैं इवन जो वीडियो है वो भी आपको इसके अंदर वर्किंग यहाँ पे देखने को मिल जाता है ये देखिए वीडियो रिकॉर्डिंग भी जो है हमारे फोन के अंदर स्टार्ट हो गई है कॉलिंग वगैरह में आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कैमरा जो है इसका वन प्लस कैमरा जो है वो इसके अंदर डेड है तो आप उसकी जगह इसमें जी कैम को यूज कर सकते हैं कुछ और बक्स जो आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं वो आपको मिलता है कि डॉलबी एटमोस इसके अंदर आपको सेटिंग्स में देखने को मिलता है साउंड में जाके वो इसमें आपको यहाँ पे वर्किंग देखने को नहीं मिलता अगर आप साउंड में जाए तो आपको यहाँ पे जो है डॉल्बी एटमोस जो है वो यहाँ पे वर्किंग देखने को नहीं मिलता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर में भी थोड़े से हैं फेस अनलॉक जो है इसमें काम नहीं करेगा बाकी जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और फिंगर अनलॉक जो होता है यानी कि फिंगरप्रिंट लॉक वो परफेक्ट तरीके से काम कर रही है देखिए फिंगरप्रिंट से जो है हमने इसको अनलॉक कर लिया हाँ फेस अनलॉक में आप फेस को रजिस्टर्ड तो कर पाते हैं बट आप उसको यूज नहीं कर पाते हैं तो फेस अनलॉक जो है इसके अंदर वर्किंग नहीं है तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है आपको वही वन प्लस के जो लेटेस्ट फीचर्स हैं वो क्यूक टॉगल्स वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं जिनको आप इजिली यहाँ से एक्सेस कर पाते हैं राइट right साइड को आपको यहाँ पे गूगल की फीड देखने को मिल जाती है अगर आपको ये चीज नहीं चाहिए तो होम सेटिंग्स में जाइए तो आप इसको यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हैं ये देखिए जैसे कि मैंने इसको डिसेबल कर दिया अब आप जो आपको गूगल की फीड यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है एपडोट के अंदर जो है आपको प्ले स्टोर वगैरह का इन सभी का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है बट डिवाइस जो है नॉट सर्टिफाइड शो करता है तो आपको इसके अंदर जो है रूट करके जो है मैजिस के थ्रू जो है आप इसमें सेफ्टी नेट को पास कर सकते हैं आपको इसके अंदर हिडन स्पेस का भी ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आप एप्लीकेशन को इजिली यहाँ पे हाइड करते हैं रोम जो है नो डाउट काफी स्मूथ है काफी परफेक्ट तरीके से पे काम कर रहा है जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक पोर्ट्रेट रूम है तो आपको इसके अंदर बग्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं इसके अंदर अगर कुछ और चीजों की भी बात की जाएगा जैसे कि मैंने आपको बताया गैलरी वेर जो है परफेक्ट तरीके से काम कर रही है वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जो है गूगल फोटोज के अंदर जो है यहां पे अनलिमिटेड बैकअप का जो ऑप्शन है वो आपको यहां पे देखने को मिल जाता है ये देख पा रहे होंगे आप अकाउंट स्टोरेज में कि हमको यहां पे अनलिमिटेड बैकअप जो है यहाँ पे, यहाँ पे देखने को मिला तो ये डेवलपर ने आपको इसके अंदर यहाँ पे प्रोवाइड किया है आपको वन प्लस का ही डायलर यहाँ पे देखने को मिलता है जिसमें जो है आप कॉलिंग वगैरह कर सकते हैं ये देखिए मैं कॉल कनेक्ट कर देता हूँ वा, वाईफाई कॉलिंग के थ्रू हमारा फोन जो है जियो का सिम जो है इसमें ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है आपको वाईफाई हॉटस्पॉट जो है सारी चीज़ें वर्किंग मिलती हैं आपको जो है पावर का मेनू जो है वो भी आपको यहाँ पे वर्किंग देखने को मिलता है इवन जो वॉल्यूम स्लाइडर है वो भी आपको यहाँ पे वर्किंग देखने को मिलता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है थ्री फिंगर से जो है आप स्क्रीन को यहाँ पे कैप्चर कर पाते हैं तो ये चीजें भी आपको यहाँ पे check मिल जाती है अगर कुछ और चीजों की बात करें तो हम चलते हैं डिस्प्ले के अंदर अगर आप डिस्प्ले में जाएं तो एडवांस में आपको रिफ्रेश रेट का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आप इसके अंदर 120 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज यूज़ कर सकते हैं अगर आप अभी तक हमारे वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और आपके सपोर्ट और थोड़े से मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो डिस्प्ले के अंदर ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं इवन आपको एम डिस्प्ले में जाकर यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी ऑप्शन मिल जाता है इसको ऑफ शेड्यूल या ऑल डे जिस तरीके से भी आप रखना चाहें वो चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं बाकी आपको डार्क मोड रीडिंग मोड ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आप ईजिल एक्सेस कर पाते हैं कस्टमाइजेशन में जाएं तो आप इसके अंदर कैनवस को यूज कर सकते हैं वॉलपेपर्स को आप यूज कर सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की जो स्क्रीन है उसको यहाँ पे चेंज करते हैं एसेंस कलर को आप यहाँ पे मैनेज कर पाएंगे सिस्टम्स आइकन मिल जाते हैं कौन सा आपने यूज करने हैं आइकन पैक्स को आप यूज कर सकते हैं और फॉन्ट्स भी आप इसके अंदर यहाँ पे यूज कर, कर सकते हैं ये चीजें आपको कस्टमाइजेशन मिल जाती है साउंड एंड वाइब्रेशन का पैनल पूरा परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है बट मैंने जैसे कि आपको बताया डॉल बी एटमोस्ट जो है आपको इसके अंदर वर्किंग देखने को नहीं मिलता है आपको बटन एंड जेस्टर्स इसके अंदर मिल जाते हैं जिसमें आप इसके अंदर नेविगेशन बटन्स ये जेस्टर्स को यूज कर सकते हैं वो चीजें आपको यहाँ पे वर्किंग यहाँ पे देखने को तो मिल जाती है तो ये चीजें आपको यहाँ पे जरूर वर्किंग देखने को मिली है बाकी एंड्रॉइड 11 के ही आपको एप्स एंड नोटिफिकेशन के सेक्शन यहाँ पे मिल जाते हैं जिनको आप यहाँ पे इजीली एक्सेस कर पाते हैं सिक्योरिटी एंड लॉक स्क्रीन में जैसा कि मैंने बताया आपको फेस अनलॉक तो आप इसमें रजिस्टर कर पाते हैं बट आप उसको यूज नहीं कर पाते फिंगरप्रिंट जो है परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है बाकी पैटर्न पिन वो भी आपको इसके अंदर वर्किंग देखने को मिल जाते हैं बाकी कुछ और चीज़ों की बात करें तो बैटरी का पैनल आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड इलेवन का ही ऑक्सीजन ओवरस का यहाँ पे दिया गया है इवन जो है आप इसके अंदर डिजिटल वेलबिंग को भी यहाँ से यूज कर सकते हैं वो ऑप्शन मिल जाते हैं आपको बाकी आपको यूटिलिटीज़ में जाए तो आपको पैरल एप्स यानी डिश्यूल ऐप्स बोलते हैं क्यूक लॉन्च ऐप लॉकर का ऑप्शन दिया गया है शेड्यूल पावर ऑन ऑफ क्यूक रिप्लाई इन लैंडस्केप मोड ये चीज़ें आपको वन प्लस रूम के यानी कि ऑक्सीजन ओ एस के सारे फीचर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं सिस्टम में वही आपको एक्सेसिबिलिटी लैंग्वेज इनपुट डेट टाइम बैकअप रिसेट ऑप्शन ओ टीजी स्टोरेज आपको यहाँ से इनेबल कर सकते हैं ये चीजें आपको यहाँ मिल जाती हैं इवन रैम बूस का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है जिसको आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं जो कि ऑप्टोमाइज रैम यूटिलाइजेशन बेस्ड ऑन योर यूसेज उस तरीके से वो आपको यहाँ पे काम करता हुआ मिल जाता है तो हाँ जैसे कि ये पोर्टेड रोम है तो आपको इसको इंस्टॉल करने के लिए कोई कस्टम रिकवरी चाहिए और थोड़े बहुत बग्स आपको इसके अंदर जरूर यहाँ पे फेस करने को मिल सकते हैं बट ओवरऑल देखा जाए वन ट्वेंटी का रिफ्रेश रेट ये सारी चीज़ें परफेक्ट तरीके से काम कर रही हैं ऑडियो माइक गूगल कैमरा आई रिमोट फिंगरप्रिंट वोल्टी फाइव जी ये सारे इसमें वर्किंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं और वन प्लस के सभी के सभी एप्लीकेशन आपको इसके अंदर यहाँ पे प्रोवाइड किए गए इवन गेम स्पेस जो है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है जिसमें हमने बी जी आई में गेम को यहाँ पे सेटअप रखा है तो एक बार हम इसको स्टार्ट करते हैं और उसके कुछ फीचर्स भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ तो ये देखिए बीजीएमआई गेम को हम लॉन्च कर चुके हैं अगर सेटिंग्स में जाए तो मैं आपको ग्राफिक्स दिखा देता हूँ कि आप कौन कौन से मोड्स में इसमें खेल पाते हैं आप स्मूथ में इसमें एक्सट्रीम तक चलते हैं बैलेंस में भी आप एक्सट्रीम तक इसमें गेम खेल सकते हैं एस में भी एक्सट्रीम एच डी पे भी एक्सट्रीम और अल्ट्रा एच को भी आप इसके अंदर इजीली यूज कर पाते हैं अगर आप लेफ्ट साइड से स्वाइप करते हैं तो आपको यहाँ पे प्री गेमिंग मोड नोटिफिकेशन इन सबको इनेबल डिसेबल करने का ऑप्शन मिल जाते हैं अगर आप राइट right साइड से स्वाइप करते हैं तो आपको यहाँ पे भी वही ऑप्शन यहाँ पे देखने मिलते हैं जहां से बैटरी टेम्परेचर वगैरह इन सब को भी यहाँ पे इजली एक्सेस कर पाते हैं तो ये गेमिंग मोड के फीचर्स भी आपको इसके अंदर यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको इंस्टॉल कैसे करना है तो सबसे पहले चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि आपको अपने फोन के अंदर Xiaomi EU का जो स्टेबल वर्जन है उसको इंस्टॉल करना है एक बार आप उसको एक बार इंस्टॉल कर लीजिए और एक बार रिबूट करके वापस आपको अपने फोन को फास्ट बूट मोड पे लेके आना है तो मैं Xiaomi EU के रोम को नहीं फ्लैश करूंगा तो उसको आपने सिर्फ ZIP फाइल होती है उसको कस्टम रिकवरी के थ्रू आप अपने फोन के अंदर फ्लैश कर लेंगे डेवलपर ने मैंशन किया है कि Xiaomi EU के रोम के ऊपर ही ये बूट होगा तो शॉमी ईयू के रोम को पहले एक बार फ्लैश कर लीजिएगा टी डब्लूआर पे रिकवरी से लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिप फाइल का इसको आप कस्टम रिकवरी से फ्लैश कर सकते हैं उसके बाद सिंपली जो है आप अपने फोन को स्विच ऑफ करके फास्ट बूट मोड पे लेके आएंगे देखिए हमारा फोन जो है स्विच ऑफ हो जा जाता है यानी कि जैसे आप ईयू रोम को इसमें बूट कर लेते हैं अपने फोन को फास्ट बूट मोड पे लेके आ है तो उसके लिए वॉल्यूम डाउन और पावर के बटन को होल्ड रखिए और आपका फोन जो है कुछ ही देर में फास्ट बूट मोड पे आ जाएगा और आपको कुछ ऐसे फास्ट बूट बनी की स्क्रीन यहाँ पे देखने को मिलेगी उसके बाद सिंपली जो है आप अपने फोन को अपने पीसी या लैपटॉप के साथ कनेक्ट करेंगे जो कि आपके लिए यहाँ पे जरूरी है क्योंकि बिना उसके जो है आप इस रोम को फ्लैश नहीं कर पाएंगे तो ये देखिए हमारा फोन जो कनेक्ट हो गया है अब हम चलते हैं पीसी के ऊपर तो ये देखिए फोन हमारा ऑलरेडी कनेक्टेड है और पीसी के ऊपर आप आ चुके हैं पीसी के ऊपर आपको इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है जो कि है ओ ओ एस एलेवन मी एक्स एफ थ्री के फोर्टी सेवन जेड फाइव जिप फाइल है आप इसको अनजिप कर लेंगे और आपको कुछ ऐसा फोल्डर जो है यहां पे देखने को मिलेगा ध्यान रखना है कि आपको सारा बैकअप लेना है क्योंकि आपका सारा डाटा जो है इसमें डिलीट होने वाला है पहले आप शॉमी रोन को टी डब्ल्यू आर पीसी फ्लैश करेंगे उसके बाद फास्टपोर्ट मोड पाएंगे और इस सिप फाइल को ओपन करने के बाद अगर आप विंडो पीसी यूज कर रहे हैं तो आपको ये जो फाइल है नीचे वाली फ्लैश विंडोज फोर्स वाइप बैट इसको आप फ्लैश करेंगे अगर आप मैकबुक यूज कर रहे हैं तो वाइप एस एच वाली फाइल को डबल क्लिक करेंगे तो हम विंडो बी सी यूज कर रहे हैं तो हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और ये देखिए अब जो है अपने आप आपका फोन दो तीन बार बूट होगा और जब तक आपको एंड में ये लिखा नहीं आता है कि प्रेस एनी की टू एग्जिट तब तक आप इस विंडो को क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि इसके बीच में थोड़े बहुत आपको एरर भी देखने पड़ेंगे फील्ड वगैरह के तो आपको डरने की जरूरत नहीं है ये पूरा कंप्लीटली जो है इंस्टॉल होगा और उसके बाद एंड में आपको ये बोलेगा कि प्रेस एनी की टू एग्जिट तो उसका हम वेट करेंगे तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि ये हमारे फोन के अंदर सक्सेसफुली फ्लैश हो सके तो ये देखिए पीसी के ऊपर जो है सभी कमांड जो है यहाँ पे रन हो चुकी है एंड में लिखाया है फिनिश टोटल टाइम प्रेस एनी की टू एग्जिट और देखिए फोन पे हमारे पे जो है ओ ओ एस यानी वन प्लस रूम की जो बूट स्क्रीन होती है वो आपको देखने को मिल चुकी है तो इस तरीके से जो है आप इस पोर्टेड रोम को अपने मी एलेवन एक्स या पोको एफ थ्री फोन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय